भारत को ठुकराने वाली प्रियंका को अभी तक माफ नहीं कर पाए सलमान। फिर सामने आया ये सबूत। अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बीच उस समय विवाद हो गया था जब उन्होंने सलमान की फिल्म भारत में काम करने से मना कर दिया था। फिल्म भारत में कटरीना कैफ का किरदार पहले प्रियंका चोपड़ा को ऑफर हुआ था। प्रियंका ने आखिरी वक्त पर फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सलमान और डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कटरीना कैफ को अपनी फिल्म में लिया। इसके बाद ऐसी खबरें आने लगी थी कि प्रियंका के इस फैसले से सलमान खान काफी नाराज हो गए। एक बार फिर से सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने को लेकर खबर आई है। हाल ही में सलमान खान ने अपनी नई फिल्म राधे की घोषणा की है। उनकी ये फिल्म 2020 ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म राधे का निर्देशन प्रभुदेवा करेंगे। ऐसे में अंग्रेजी वेबसाइट DNA की खबर के अनुसार प्रभुदेवा ने फिल्म राधे के लिए प्रियंका चोपड़ा से बात की, लेकिन खबर है कि सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार राधे फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को ना लेने के बाद प्रभुदेवा ने कटरीना कैफ और जैकलीन फर्नांडिस में से एक फाइनल करनी थी। चूंकि जैकलीन फर्नांडिस सलमान खान के साथ किक दो में नजर आने वाली है, इसलिए राधे के लिए भी कटरीना कैफ के नाम को ही फाइनल किया गया है। हालांकि अभी तक ना तो प्रभु देवा और ना ही सलमान खान राधे फिल्म की हीरोइनों को लेकर आधिकारिक घोषणा की है। खबरों की माने तो फिल्म दबंग 3 के बाद सलमान खान की अगली फिल्म राधे ही है जो अगले साल ईद पर रिलीज होगी। फिल्म दबंग 3 के 20 दिसंबर के रिलीज के बाद सलमान पूर्णतः इस फिल्म पर काम करना शुरू कर देंगे। वहीं फिल्म दबंग के खत्म होने के बाद फिल्म राधे के कुछ हिस्सों की शूटिंग वे दबंग 3 की रिलीज से पहले ही खत्म कर लेंगे। खास बात यह है कि सलमान की दबंग फ्रेंचाइजी का तीसरा अध्याय निर्देशित कर रहे प्रभु देवा ही फिल्म राधे का निर्देशन करेंगे। अगले साल की ईद में सिर्फ 8 महीने बचे होने के कारण सलमान अब ताबड़तोड़ शूटिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बात की जाए राधे नाम की, तो इस नाम और सलमान खान का पुराना रिश्ता है। निर्देशक सतीश कौशिक की साल 2003 में आई फिल्म राधे और 2009 में आई वांटेड में सलमान के किरदार का नाम राधे ही था। फिल्म के नाम को लेकर सूत्र आगे बताते हैं कि जिस तरह प्रेम नाम सलमान के किरदारों के लिए काफी प्रचलित है, वैसे ही राधे भी है। हालांकि फिल्म राधे और वांटेड व तेरे नाम तीनों ही अलग कहानियां हैं, लेकिन उनकी पुरानी फिल्मों के किरदार राधे के हाव भाव इस फिल्म में भी लिए जाएंगे।